जल्दी जल्दी करो, इसको कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू, हमारे पास एक डाइपोल है, इक्वल एंड अपोजिट पेयर होता है चार्ज का, तो ये चार्ज क्यू है, डाइपोल मोमेंट पी है, प्लस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को ले जाकर रख दिए। चलो ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल को कैसे रखा जा रहा है, मेरी मर्जी तो नहीं है ना, क्वेश्चन जैसा बताएगा वैसे रखूंगा। डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अब डाइपोल को मैंने ऐसे रखा अलोंग द फील्ड, मतलब इधर प्लस होगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस से निगेटिव से पॉजिटिव, तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, दैट इज पी वैक्टर, इधर है ई वैक्टर के पैरल है, तो थीटा कितना है दोनों के बीच, जीरो डिग्री है। द फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, आप सबको पता होगा बेसिक कॉन्सेप्ट से कि डाइपोल हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में रहना पसंद करता है, अच्छा लगता है उसको, क्योंकि उधर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, स्टेबिलिटी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और उस इक्विलिब्रियम में फोर्स जीरो लगता है, तो फोर्स तो जीरो लगेगा, तो जीरो फोर्स, ये क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स तो जीरो लगेगा, मतलब जीरो सी ऑप्शन सही है। अगर ऐसे नहीं आप फार्मूला लगाना चाहते तो फार्मूले से भी कर सकते हो, अपना टाइम बर्बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फार्मूले से टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, थीटा क्या है, पी वेक्टर ई वेक्टर के बीच का एंगल है, जो कि जीरो, पी ई साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो ही होता है, सदियों से होता आ रहा है, तो जीरो। अब वर्क डन, जो वर्क डन है वो माइनस पी डॉट ई होता है, पी डॉट ई होता है, बराबर है, तो वर्क डन जो है वो होता है माइनस पी ई और कॉस जीरो, कॉस जीरो माइनस पी ई, तो डॉट ये नहीं आएगा, पी ई है, तो पी ई माइनस पी, ये जो वर्क डन है या जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जो ये जो पोजीशन है डाइपोल का वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम आप पढ़े होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है और इक्विलिब्रियम है, तो फोर्स जीरो होगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। सी ऑप्शन सही है।